चलो, चैप्टर का नाम है क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रियल रूप से देखा जाए तो अपने पूरे सिलेबस का मेन चैप्टर यही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये रियल लाइफ में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत है। और अपने एकेडमिक्स लेवल पे बात करें हम तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे कि मैथ्स हम लोग पूरा क्लास वन से पढ़ रहे हैं, वैसे ही अब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा 6 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट। तो ये चैप्टर का खासियत तुमको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉपिक का नाम देखो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब क्या कि वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक पैसा, एक पैसे का वैल्यू टाइम के हिसाब से क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। पैसे का वैल्यू एक टाइम के हिसाब से क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यदि किसी मनी को एक्सप्लेन करें कि ये 10 रुपए का नोट है, बट ये जो 10 रुपए का नोट है, ये नोट बस सरफेस में लिखा हुआ इसलिए नोट है, बट यदि बात करें इसका वैल्यू, ये वैल्यू टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आज मान ले हम तुमसे उधार में 10 रुपया लिए, ठीक है, और हम तुमको बोले कल मेरे से ले लेना 10 रुपया, और हम तुमको बोले एक साल बाद ले लेना 10 रुपया। बता मेरे को तुम किस में एग्री होगा? कल वाले में एग्री होगा। क्यों एग्री होगा? क्योंकि तुमको पता है कि एक साल का मेरा इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा यदि सर के पास रहेगा तो पैसा। वो जो तुम सोच के बोला ना कि कल दे दीजिएगा सर पैसा, एक साल बाद में दीजिएगा, ठीक है, तो तुम 5 तारीख के बाद बोला था ना, वही तो तुम बोला ना एक साल बाद, एक साल बाद दे देगा। हम लोग क्यों नहीं माने वो वाला बात, हमको क्यों नहीं माने? क्योंकि हम लोग टाइम का वैल्यू को समझते हैं, मतलब एक मनी का क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ टाइम वो हम लोग समझते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में है। इसके चलते हम लोग कल के लिए एग्री हो गए, एक साल के बाद एग्री नहीं हुए। हम लोग वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे काम करे। फटाफट से पहले कॉपी में जाओ, लिखो एक बार। पॉइंट नंबर वन लिखो, लिखो वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मेरे को बताना, एक पॉइंट तुम लोग जानता होगा वो है इंटरेस्ट। क्या होता है वो इंटरेस्ट? ब्याज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। इंटरेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली? फ्री का पैसा, तब उसको तुम अपने भाषा में बोल तो हराम की कमाई। बट इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? देखो एक इंटरेस्ट एग्जैक्टली यदि हम बात करें ना, इंटरेस्ट का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम लोग मनी के यूज के लिए चार्ज करते हैं। हम तुमको 1,000 रुपया दिए और तुम 2 महीने अपने पास रखा, उस 1,000 रुपये का यूज किया होगा। इस यूज करने के लिए तुम मेरे से क्या किया? परसेंटेज अमाउंट लिया तुम, यही ना, इसी को बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट। फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट हेडिंग देना, इंटरेस्ट लिखो इसके अंदर में। लिखो एक बार, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, मनी के यूज करने के लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट बोलते हैं। समझे क्या बात? ये जो इंटरेस्ट होता है ना, पॉइंट नंबर 3 में देखो एक बार, समझना है बात खाली। जो इंटरेस्ट होता है ना, ये 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। एक इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी है क्या? साधारण ब्याज। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसका नाम क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखो, इंटरेस्ट का 2 पार्ट डिवाइड करो, इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहले में लिखो सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे में लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले में लिखो सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे में लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी दोनों कैसे काम करता है इसको समझने के लिए आते हैं बार थोड़ा नए पेज में। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया तुमको? सिंपल 1,000 के ऊपर 10% निकाले, और हर महीना या फिर हर साल, जैसा हमारा टर्म्स है उसके हिसाब से, हर साल जो
100 रुपये जो चार्ज हुआ वो किसके ऊपर चार्ज हुआ, वो 1000 के ऊपर ही चार्ज हुआ, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट एकदम सेम रहा। बट यदि बात करें यहाँ पे तो प्रिंसिपल का अमाउंट हर टर्म में क्या हुआ, चेंज होता गया। वो चेंज कैसे हुआ, हमें पहले जितना था उसमें इंटरेस्ट जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया। दोनों में तुमको ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, कंपाउंड? इसीलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को रियल में बताया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा बोला जाता है। हाँ, 7 अजूबा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा बोला जाता है। कैसे, तुम लोग उसके ऊपर एक कहानी सुना होगा या फिर दिखाए भी होंगे कभी ना कभी वीडियो में। वो एक मंत्री जाता है राजा के पास, नहीं, एक नॉर्मल क्या बोलते हैं पंडित जाता है राजा के पास। दिखाते हुए दिखाएंगे नहीं, फिर कहानी समझ लो। जो चेस होता है ना, चेस 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 होता है ना, जब क्योंकि वो पंडित ना, राजा को कोई बीमारी होता है, ठीक है, तो पंडित पंडित उसको ठीक कर देता है। ठीक करते तो राजा उससे बहुत खुश हो जाता है। राजा बोलता है कि ठीक है, काम करो, तुम एक बार सभा में आओ, तुम जो तुमको जो चाहिए होगा वो तुमको देंगे। तो बोलता है ठीक है। तो राजा बोलता है कि ठीक है, आप बताओ मेरे को, तुमको जो चाहिए हम तुमको देंगे। बोला ठीक है। तो बोलता है काम कीजिए, आप एक चेस मंगवाइए। चेस में पहले वाले से ये है ना, पहला बॉक्स, इस बॉक्स में दो दाना डालिए चावल का, चावल का दो दाना, और सेकंड बॉक्स में इसका डबल होना चाहिए। मतलब समझ रहा है, ऐसा कुछ। पहला में दो, दूसरा में सिर्फ चावल का दाना डाल रहा है, दूसरे में चार और तीसरे में चार का 8, इस तरीके से 8 से फिर 16, 16 से 32, आधा चेस भरा, राजपाट उसका लूट गया। अरे सैलरी में होता है समझा? वो, ऐसा देखने को मिला कि वो पूरा अपना पूरा पूरा जितना भी था उसके पास चावल वेल, जितना भी देने के बावजूद भी अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच भी दिया तो भी वो पूरा चेस को भर नहीं पाया। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, ठीक है। इसीलिए इसको 8वां जुआ माना गया। एबार तुम लोग भी घर में होगा फिर ऐसा बोले तो बोल के दिखाना। सैलरी का बता देखने में बहुत आसान लग रहा ना कि दो दाना तो डालना ही है। तो राजा भी बोलता है कि अरे इतना सिंपल चीज, बट बाद में समझ में आता है कि राजा की भाई बहुत चतुर इंसान थे, ठीक है। इसीलिए इसको 8वां अजूबा बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट को। इसको बोलते हैं क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ये क्या है बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सीआई के नाम से जानेंगे। ये बात तुम जैसे लिखे हैं वैसे उतारो तुम लोग। आना देखना है, बात हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझने के पहले थोड़ा सा तुमको टर्म बताते थे हम। तुमको ऊपर वाले एग्जांपल में लिखे थे कि ए बी को 1000 रुपए का लोन दिया और इंटरेस्ट रेट क्या रखा था, 10% पर एनम, पर मंथ, ठीक है। हुआ क्या, देखो अगर फर्स्ट मंथ के एंड में इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया होगा, सेकेंड मंथ में 100, थर्ड मंथ में 100। तो ये जो अमाउंट है ना, इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तुमसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ तो क्या करेंगे, सिंपल 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कोई दिक्कत है? बट यदि तुमसे पूछेगा अमाउंट बताओ, अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है कि अपने ईयर उस मंथ के एंड में रियल में उससे तुम कितना चार्ज करेगा। तुम देखोगे तो तुम मान लो 1 महीने के एंड में, मान लो 2 महीना नहीं रहता, 1 महीने के एंड में आता और बोलता कि भैया मेरा हिसाब कर दीजिए, आपको कितना रुपए चाहिए बताइए, तो तुम क्या बोलता, कितना रुपए मांगता था उससे? ऑब्वियसली 1000 रुपए तुम उसको जो दिया वो तो मांगेगा ही, प्लस 100 रुपए और इंटरेस्ट मांगता, मैं टोटल मिला के कितना मांगता, 1100, कोई दिक्कत है क्या? ये जो अमाउंट है इसको जो होता है ना, इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते बताओ, ए। ये है ए, ये है एस आई, मतलब आई, ये है ए, ये है एस आई, और ये जो हम लोग उसको दिए थे ना पैसा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, क्या बोलते बताओ, प्रिंसिपल। इतना डालोगे 1000 रुपये डालोगे तो 1 महीने बाद 1100 मिलेंगे, 21 दिन में पैसा डबल। तो पैसा जो है, पैसा जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है। डबल जो पैसा है वो क्या है, अमाउंट है, और बीच का जो बेनिफिट्स है उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, समझे बात? तो यहाँ पे भी है, 100 रुपये को डालोगे, 1000 रुपये को डालोगे तो 1 महीने बाद वो 1100 हो जाएगा। तो 1100 क्या है, अमाउंट है, और इंटरेस्ट क्या है, 100, और प्रिंसिपल कितना है, 1000, समझे क्या? तुमसे यदि क्वेश्चन पूछे जाए, ये तुमको एग्जाम्पल दे हम तुमको, कि तुम्हारा प्रिंसिपल का अमाउंट है मान लो 2000, 3000, और इंटरेस्ट रेट है मान लो, इंटरेस्ट रेट है 10%,
और टाइम है मान लो 2 महीने का, तुमसे ऐसा ही निकालना है। हम फॉर्मूला में जाना ही नहीं चाहते, तुम लोग फॉर्मूला बचपन से पढ़ के आए, PRT/100, ये रट्टा मार के है सब। हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे, ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स पूरा टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर में करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सम्स कैलकुलेटर में हो जाएगा, कॉपी में लिखना जरूर, कैलकुलेटर ट्रिक तुमको बताएंगे, कैलकुलेटर ट्रिक में पूरा का पूरा सम्स बन सकता है, पूरा चैप्टर कैलकुलेटर में करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का MCQ पेपर है, अपने को लिख के दिखाना कहीं है नहीं, तो जितना ज्यादा हो सके तो हम लोग कैलकुलेटर में करके अपने सॉल्व करके खत्म करेंगे। इसमें तुमको ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब तुम सोचो एक बार, हम इसको 3 हजार दिए और हम इसको बोले 10% देना, मतलब हर महीना कितना देगा, 300 रुपये, 300, और कितना महीना देना उसको, 2 महीने लेट कर, 100, 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, तो क्या ऐसे ही निकल नहीं सकता, निकल सकता है। बट यदि तुमको यदि फॉर्मूला लिखा है ऐसा ही का, तो फॉर्मूला निकल के आता है P × R × T/100, P × R × T, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम, T मतलब टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब तुम देखो कि इस प्लॉट करोगे तो वही आंसर आएगा जो हम लोग ऐसे वर्बली किए थे, कितना था प्रिंसिपल, कितना है 3000, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 मंथ, डिवाइड बाय कितना होगा 100, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना रुपया, 600 रुपया। तुम अगर देखोगे तो यही आंसर है, बट हम लोग वर्बली या फिर कैलकुलेटर में ऐसे करके देखिए। सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल है कि एग्जाम में आज तक नहीं पूछा, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भर भर के पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आज तक नहीं पूछा, मतलब 2015 से तुम पेपर खोल के देखोगे एक बार भी नहीं पूछा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछा भी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पूछा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अलग से नहीं पूछा है, इसलिए हम तुमको सम दिखा दे रहे हैं, फटाफट से करते हैं बार आ जाओ। ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, कोई नंबर बना है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, देखो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तुमको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, हमें ये फॉर्मूला बताया ऐसा ही का, ये फॉर्मूला ऐसा ही का था ना, ये फॉर्मूला किसका था, ऐसा ही का, ये ऐसा ही का फॉर्मूला था। यदि अमाउंट का फॉर्मूला बताया तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ऐसा ही मतलब प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, प्रिंसिपल कितना दिया था इसमें 3000, ऐसा कितना था 600 रुपया, तो 3600 निकल जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि तुमको यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालने आएगा तो अमाउंट भी निकालने आ जाएगा, समझे क्या, पक्का देखो एक बार समझ क्या पूछा है, देखो पहले एक बार बोला फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एकदम पॉइंट, दूसरा क्या पूछा है अमाउंट, दोनों चीज पूछा है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वर्बल कैलकुलेटर उठाए बार सोचो ना, 12300 तुमको दिया 6% के रेट से, 12300 × 6% और कितना साल × 5, 3690 रुपया, 3690 रुपया, ये क्या आया, ऐसा ही आया ना। अपने को ए निकालते हैं, ए कैसे निकलता है, ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 12300, जोड़ दो बताओ उसमें, जोड़ दो 12300 आ गया 15990 की 12990, अच्छा 15990 ना, ये पॉइंट नंबर 1 है सर, समझे क्या, ये पक्का, तो क्या ऐसे कैलकुलेटर में निकल सकता है, बट फिर भी कैलकुलेटर कॉपी में बार लिख ले, क्वेश्चन में बना नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तुमको पीडीएफ भेजे हुए, क्या करोगे क्वेश्चन एग्जाम में ये कॉपी में लिख लो ऐसे, पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 का लिखोगे ऐसा ही, फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100, पी मतलब प्रिंसिपल, 12300 × 6% और × 5 निकाल के देख लो कितना आ रहा है, 3690 रुपया, और ए निकाल दो 3690 + 12300, 15990 रुपया, समझे क्या, ठीक है। उसके बगल में लिखो, उसके बगल में ऐसे करके लिखना, यूज कैलकुलेटर, देखो लिखो, ये तुमको एग्जाम में याद दिलाएगा, एग्जाम में जब रिवाइज करूं तो तुमको याद दिलाएगा कि भाई इसमें कैलकुलेटर के थ्रू हो सकता है, लिखने की दरकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो खुद से कैलकुलेटर में जल्दी से, देखो इसमें तुम लोग जहां पे फंसा होगा वो फंसा होगा कि सर 5 इयर्स 8 मंथ है,
तो पहले 8 मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट करो। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा सर, ये देखो एक बार दिखा दो, देखो क्वेश्चन नंबर टू। अपने को पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 12,000, 15,400 ना, 15,400 था। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12%। टी कितना था, 5 years 8 month। अब इसको 8 month को पहले हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पूरे साल भर में 12 महीना होता है, सबको पता होगा शायद। तो कितना होगा, 8 डिवाइड बाय 12 करो कितना आ रहा है बताओ, 0.6666 कुछ है, 0.666। तो 0.6666 प्लस 5 कितना होगा, 5.67 बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या? अब हम लोग फॉर्मूला पुट करके निकल सकते हैं, करो फटाफट से। क्या 10,478 क्या 3,690 ना, नहीं नहीं सॉरी 10,478, 72 के 78 भाई। तो बताओ ये अमाउंट कितना होगा, प्लस कितना करेंगे 12,400 को, 15,400 क्या कर रहे हैं, 15,000 है ना, कितना आ रहा बताओ जी सर, 3। और अब देखो यहां पे इस सम्स में क्या है खासियत, ध्यान देना है। बोल रहा है In what time a sum 7,800 will yield the interest of 3,722? Interest rate कितना परसेंट है? 6%। क्वेश्चन मेरे को समझाओ पहले क्या है? सर बोल रहा कि ये सौ का जो इंटरेस्ट है वो मतलब कितना साल या कितना मंथ चार्ज करेंगे जो इतना इंटरेस्ट होगा? बोल रहा है कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है 3,722, 6% का इंटरेस्ट रेट है, ये कितना साल बाद इतना अमाउंट इंटरेस्ट हम लोगों को मिल जाएगा SI के हिसाब से। मतलब तुमसे यदि हम फॉर्मूला वाइज यदि बात करें तो फॉर्मूला में तुमसे पूछा है, हालांकि इसको भी हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे। देखो यदि हम इसको फॉर्मूला वाइज बात करें तो फॉर्मूला में तुमको क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तुमसे क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। पर पी कितना दिया है दोस्त, 7,800 ये दिया हुआ है। अच्छा आर दिया हुआ है क्या, कितना परसेंट बताओ, 6%। अच्छा टी दिया हुआ है क्या, नहीं टी तुमसे पूछा है। अच्छा ऐसा ही दिया हुआ है क्या, ऐसे कितना दिया बताओ, 3,722। तुमसे क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या था बता, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। इसमें अपने को SI दिया हुआ 3,722, P दिया हुआ 7,800 इंटू R नहीं दिया हुआ, सॉरी R दिया हुआ था, कितना परसेंट था, 6% मल्टीप्लाई बाय T नहीं दिया हुआ। अच्छा देखो परसेंटेज लिख रहे तो डिवाइड बाय 100 करने की दरकार नहीं है, वो परसेंटेज वो 100 ही था इसलिए परसेंटेज किया है, समझे क्या बात। तो क्या टी नहीं निकल सकता है, निकाल के बताओ, 7.95 कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है T=7.95। अब जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता तुमको बताया था क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 6% भी क्या होगा, क्या होके डिवाइड हो जाएगा, कितना है 7.95 ईयर्स। बट 7.95 ईयर्स तो बोल के कुछ होता नहीं, इसको भी पहले रियल में मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.95। अब मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहां पे डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो होगा। तो क्या करोगे, 7 ईयर्स तो है ही, 7 ईयर्स तो है ही, प्लस 0.95 × 12 कितना रहता हूं, 11.4। तो हम लोग बोल सकते हैं 7.4
सात साल 11 महीना बोल सकते हैं ना। देख लो आंसर क्या है, 11.4। ठीक है, 11.4 मंथ, 7 ईयर्स एंड 11.4 मंथ। यहां तक पहले कंफर्टेबल हो? अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरा कैलकुलेटर ट्रिक है, पूरा कैलकुलेटर ट्रिक है। ठीक है, आ जाओ समझे। यहां पे तो तुमको पीआरटी में कोई भी एक चीज मिसिंग है, निकाल दोगे अब, हो जाएगा ये। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का सम्स और नहीं करा रहे, और कितना क्वेश्चंस है, 4 से लेकर 9 तक करना, जहां पे डाउट होगा हम करा देंगे क्लास। ठीक है, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते, समझे क्या? 7.7 पॉइंट ये होगा, 95 ईयर्स। यहाँ पे इस ऑप्शन में दिया था, हम तुमको मंथ में कन्वर्ट कराना बता दिए। एग्जाम में मान लिया ऐसा रहता कि 7 ईयर्स एंड 11 मंथ, तो वहां पे देखने नहीं मिल पाता, इसे कन्वर्ट कराना आना चाहिए। ठीक है, आते हैं। तो इसके बाद इसमें इंटरेस्ट पूछा था, ये सब निकाल देना है। हाँ, सीखते हैं हम लोग क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या, सीए का फॉर्मूला? अच्छा, सीए का पहले एक बार खेला बताते थे। कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, जैसे मान लो तुमको बताते हैं पहले इसका स्टोरी। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट यदि 10% है तो ये कंपाउंडिंग, 5 तरीके से कंपाउंडिंग हो सकता है। अब ये कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले लिख लेते तो कुछ क्वेश्चन था। एक हो सकता है एनुअली, एक होगा सेमी एनुअली, एक होगा क्वार्टरली, एक होगा मंथली, और एक होगा कंटिन्यूअसली। अपने सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, अपना लोडिंग कम है उसका, बट समझा देंगे। देखो इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग करने का तरीका होता है 5, इंटरेस्ट रेट, एनुअली कंपाउंडिंग, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग और कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग। अब ये क्या होता है समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तुमको हम बोले कि भाई ए है बी को 1,000 रुपए का दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा था मान लो 10%। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट बोला है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो 10% कंपाउंडिंग रेट से एनुअली कंपाउंडिंग होगा। ठीक है, ऐसा बोलता है कौन, ये एग्जाम्पल में बोलता है। एक बार बताओ ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में अपना इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? हाँ, दूसरे साल में 110, या ऑलरेडी हम सीखे अभी ऊपर में लिख के बताना पड़ेगा क्या, ये 100 रुपये जुड़ जाएगा 1,000 रुपये में का 10%। थर्ड ईयर में दोस्त क्या होगा, ये 1,100 था ऊपर में और प्लस 110 और जुड़ जाएगा और इसका 10% निकल लीजिए, पीछे जितना इंटरेस्ट चार्ज किया एकदम जुड़ जाएगा। हाँ ठीक है, एंड सो वन सो वन सो वन चलते जाएगा। ठीक है, 3 साल के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आया बताओ तो, 331। ठीक, खेला देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 साल, रुपया 1,000। बट खाली क्या है कि अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो होगा सेमी एनुअली। अभी सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में आपको 2 बार मिलेगा इंटरेस्ट, साल में कितना बार मिलेगा आपको, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अब आपको ईयर वन में, यदि हम बात करें ईयर वन में आपका 2 इंटरेस्ट मिलेगा, एक 6 महीने बाद और दूसरा एक और 6 महीने बाद, मतलब जनवरी से लेकर पहले जून तक, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। तो पहला यदि कैलकुलेशन करें तो ऐसा होगा, देखो 1,000 का 10% इंटू 6/12 कितना आएगा दोस्त, 50 रुपया। अब जो सेकंड जो हम लोगों का इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,050 पे, इंटरेस्ट जुड़ता रहता है, अभी अभी हम लोग सीखे थे। 10% 6/12 कितना रहा बताओ, फिफ्टी टू पॉइंट कितना आ गया ये, 102.5। यदि हम सेकेंड ईयर का निकाले तो सेकेंड ईयर का पहला क्वार्टर, मतलब पहला 6 मंथ में कितना निकले,
मिलेगा बताओ, 1102 रुपया 50 पैसा का 10%, सही कर रहे ना? और सर 1102 रुपया कहां से आया? 102 रुपया जुड़ गया वहां पे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना रहा बताओ? कैलकुलेटर को ये मत लो, कैलकुलेटर चला चला कैलकुलेटर पे ही खेला पूरा, और उसको मिटाना मत, जहां पे है वहीं पर रखना। 55.125। अच्छा सेकंड ईयर का एंड क्वार्टर निकाले एक बार कितना हो जाएगा बता तो, इसमें जोड़ देगा ना 1102 रुपया 50 पैसा प्लस 55 रुपया 125 बताओ कितना रही? 12 पैसा आना, 5 आना, जोड़ना भाई इसको साथ, इसको जोड़ो। हाँ बोलो बोलो, कितना बोला? 1157625। क्या 10% निकाल दे इंटू 6/12 करें? 88125 जोड़ के बताओ कितना इंटरेस्ट जोड़ो? 113.00625। अब तुम देख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, अमाउंट सेम था, टाइम सेम था, बस खाली कंपाउंडिंग के खेले पे यहाँ पे इंटरेस्ट 100 रुपया मिला तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला 102 रुपया, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला 110 रुपया तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला कितना? 113.06 रुपया समझ, ठीक है 1 पैसा समझ, समझे क्या? तो ये तुमको समझ में आ गया होगा कि जितना बार कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है? ऐसे सेमी एनुअली होगा वैसे क्या होगा? क्वार्टरली होगा वैसे हाफ ईयरली होगा, सॉरी वैसे क्वार्टरली होगा वैसे मंथली होगा वैसे कंटिन्यूअसली होगा। सर कंटिन्यूअसली क्या होता है? सिलेबस में तो नहीं है बस खाली जान जाओ। देखो मंथली तो समझ में आ रहा होगा, 12 महीना साल में 12 बार मिलेगा इंटरेस्ट, 12 बार इंटरेस्ट निकालेंगे, जोड़ेंगे निकालेंगे फिर जोड़ेंगे फिर निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है? कंटिन्यूअसली का मतलब होता है जब 1 महीने से भी कम का कंपाउंडिंग हो तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअसली। 2 दिन में कंपाउंडिंग, हर 2 दिन में इंटरेस्ट जुड़ेगा फिर जुड़ेगा फिर इसे ऐसे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। समझ रहा कितना बड़ा कैलकुलेशन है? इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एक्सपोनेंशियल से, ई से। हमारे सिलेबस में नहीं हो, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कभी पढ़ने को मिलेगा 6th सेमेस्टर में तुमको एफ एम में मिलेगा उसको पढ़ने, अभी कभी तुम उसको डेफर कर सकता है ये, बट अपने सिलेबस में ही 4 है। समझा बात? तो इस समय हुआ तुमको अभी तक क्लियर हुआ कि कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है वो 5 तरीके से कंपाउंडिंग हो सकता है, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और कंटिन्यूअसली। तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग दिया होगा, नया पेज जाओ, एकदम नया पेज में जाओ, लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग दो, कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग दो, और उसके नीचे 4 एरो निकालना, 5 5, एक है एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और कंटिन्यूअसली, ठीक है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं उतारना है, ठीक है? ऐसे समझ रहे खाली, और आगे देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो खाली। देखो क्या इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट रेट टाइम में है क्या? हाँ इसमें भी है, सेम है, सेम है, यहाँ पे भी पी होगा। देखो एग्जाम्पल जो दे रहे थे इसमें ये क्या था? पी, ये क्या था? आर, टाइम पीरियड क्या था? ये 3 साल था ना, तो सेम है, वही पी आर टी है यहाँ पे, और अमाउंट क्या निकलता है? ऐसा जो निकलता है वो अमाउंट निकलता है, वहां पे फॉर्मूला था सेम, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे एक तरीका तुमको बताता है जिसमें कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जितना भी सम स्टॉफ हो उस तरीके से। क्या होगा, हम लोग सी आई जो निकालेंगे ना वो तरीका कुछ ऐसा होगा, ए इक्वल टू आर डिवाइड बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पी। दिस इज द बेसिक थिंग जो हम लोग कैलकुलेटर में ये प्रेस करेंगे और पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, कोई भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करें। पहले तुम इसको उतारो फिर समझाते क्या है एग्जैक्टली। आर डिवाइड बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पी, इसका रियल में तुमको यदि फॉर्मूला बताया तो तुम लोग पढ़ा जो फॉर्मूला वो ऐसा पढ़ा है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन, खतरनाक ये पढ़ा है, बट ये दोनों का आंसर सेम होगा। हम लोग इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली उतार सकते हैं डायरेक्टली, और यहां पे तुमको लिख के करना पड़ेगा, ठीक है? बट हम लोग इसको एग्जाम अभी क्लास में पूरा कैलकुलेटर ट्रिक इसी के थ्रू हम लोग पूरा करने वाले, ठीक है? अब एक सम दिखाते तुमको, देखो। अच्छा इसमें एक और चीज देखो, देखना है पर अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना कंपाउंडिंग 5 तरीके से हो सकता है,
यहाँ पे जो हम लोग जो ट्रिक लगा रहे हैं, इस ट्रिक में खाली बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो 100 है ना, 100 चार अलग अलग जगह पे अलग अलग लगाएंगे। यदि एनुअली है तो 100, सेमी एनुअली का मतलब कितना, साल में कितना बार, दो मतलब बार क्वार्टरली, साल में कितना क्वार्टर, हर क्वार्टर ग्लास नहीं होता हाँ कितना होगा बताओ, 400। और क्या हो सकता है, मंथली, ठीक है, बस ये टिक लगाओगे कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा, हाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। चलो फटाफट से पहले ये उतारो एक बार, फिर बताते तुम लोग। तुम लोग यदि फॉर्मूला नहीं भी लिखा हो तो चलेगा भाई, जो नीचे का फॉर्मूला पढ़े थे ना वो हमको भी याद नहीं रहता, तो मेरे से कल पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे, अभी पढ़े थे इसलिए याद है। ठीक है अब आते हैं, बस हम बहुत ऑनेस्ट है भाई, जो नहीं आता नहीं आता। आ जाओ क्वेश्चन ठीक नंबर 10। नहीं नहीं फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, तुमसे बन जाएगा सर। आ जाओ देख, फाइंड द अमाउंट, तुमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, ए पूछा है, ए 10,200 फोर इयर्स 6% पर एनम। एक बार सम्स करना है, यदि एनुअली होता है तो क्या होगा, सेमी एनुअली होगा तो क्या होगा, क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, मंथली होगा तो क्या होगा। नहीं नहीं ये हम सम्स खाली शुरुआत, देख एग्जाम में जो क्वेश्चन है, देख पास पेपर्स यहाँ पे है, इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब खाली बनाया हुआ ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। एक ही सबसे देखो, अभी तुमको यदि हम एनुअली वाला पॉइंट बताया, एंड वाला पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या बताया, आर डिवाइड बाई 100 + 1 मल्टीप्लाई बाई पी इक्वल टू ए, ये पूछा है तुमसे। अच्छा आर कितना परसेंटेज है बताओ, देखो कोई दिक्कत, अच्छा 1 तो रहेगा हमेशा, पी कितना बोलो सर, टी कहां पे गया, अब टी देखो कैलकुलेटर में ना, टी उतने बार प्रेस करोगे जितने बार दिया है, मतलब टी कहां है, जो टी है वो इक्वल टू ई है, कैलकुलेटर तो बताते हैं। जैसे हम पहला बताया, क्या बताया तुमको, तुमको बताया रेट 6/100, 6/100 0.06 आया, ठीक प्लस 1 1.06 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10,200, इट्स अ प्रिंसिपल अमाउंट, 10,200 ये आया एक बार इक्वल टू टी पे, कितने बार टिपना है बता, टी कितना है, टी 4, 2 3 4 कितना है सर बताओ, 12,877 रुपया। समझे बात, तो टी कहां पे है, तो टी इक्वल टू में, टी कहां पे बताओ, इक्वल टू में। ऐसे सेमी एनुअली निकालते हैं, आ जाओ सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ, 6/200 6/200 +1 इंटू इंटू 10,200 कितना बार प्रेस करेंगे बताओ, 4 8 बार, सेमी 4 × 2 = 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर तुम्हारा 12,921 रुपया। समझे बात, हाँ और मंथ और क्वार्टरली में करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन। अच्छा एक बात बता, तुमको वो सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है कि ये सॉल्यूशन, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 साल 16 बार, ठीक है। अब मंथली में बोलेगा सर, मंथली 12 × 4 = 48 बार करना पड़ेगा दोस्त, हालांकि तुम उसको उसको भाई उसको फैक्टर में भी बना सकता है ना, 48 को फैक्टर में बना सकते हैं, 8 और 6 को, वो मैथमेटिक्स में चल जाएंगे फिर, कहाँ हाँ समझे क्या। चलो सबका करके बता दो,
कंपनी एनुअली संस्करण फटाफट 7646 का 3% के रेट से 3 साल के बाद सीआई कितना मिलेगा? पहले ए निकालो, सीआई माइनस कर उससे माइनस कर देना पी से, ठीक है समझे क्या? पक्का? चलो आ गया, कैलकुलेट सीआई 10,004% 5 years कंपाउंडिंग एनुअली, फटाफट से निकालो, 4 / 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना बार, 1, 2, 3, 4, 5 कितना रहा, 12,166 माइनस कर दो कितना से 10,000 से, आंसर कितना आ रहा है 2,166 0.5 समझ में आया क्या? 2,166.5 2,166.5 2,166.5 भाई बोले भोजपुरी में बोले 2,166.5 को क्या बोलते हैं? बूंदा 50 तो भोजपुरी में तो बोल देते ना, ठीक है चलो ये क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है तुम्हारा, ये सम्स करा के छुट्टी देंगे। देखो क्या है, अ मैन लेफ्ट फॉर हिज 3 sons, एक इंसान था उसका 3 बच्चे थे, 10 साल का 12 साल का 14 साल का, 10 साल का जो बच्चा था उसके नाम पे 10,000 का FD, इसके ऊपर 8,000 था, इसके ऊपर 6,000 था, FD करके बेचारा चल बसा। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो इसका पैसा को 3% के रेट से डाल दिए, इसका पैसे को 6% के रेट से डाल दिए और इसका पैसे को 10% के रेट से डाल दिए, डालने के बाद बोला कि भाई जब इसका 21 साल का एज हो जाएगा, जब इसका शादी होगा 21 साल में, तब बताइए कि किसको कितना कितना मिलेगा। अच्छा क्या बोला, हाउ मच इच वुड रिसीव, मतलब ये पूछ रहा ना,
ठीक है, वैसे उसका कितना आएगा बता दो, उसका आंसर है 11,692 रुपया। और बोला जाता है कि भाई भाई झगड़ा मत करो, देख लो इसमें झगड़ा होगा, बच्चे के बाल भी चल, झगड़ा नहीं होगा इसमें, क्या झगड़ा कर, लाल 2 लाख होता तो कुछ बात नहीं, लाख लाख ये तो देखो नुकसान किसको हुआ, बड़ा भाई को देख ले सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे कम बड़ा सबसे कम बड़ा भाई को मिला, सबसे ज्यादा किसको मिला क्या भाई, ठीक है चलो चलो आ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो लो बैग पैक करते ना, इसे सोचे ये लोग मुझसे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। बोल रहा है एक बंदा 3,000 रुपया 4 साल के लिए 9% के रेट से कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। एक बार सीआई से निकालो और एक बार एसआई से निकालो, एक बार सीआई से निकालो और एक बार एसआई से निकालो, दोनों का डिफरेंस अमाउंट है तुम्हारा आंसर, करो फटाफट से। अरे भाई हम बोलना चाह रहे ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का यदि हम सॉल्यूशन बताएं तो तुम पहले एसआई से निकालो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, एसआई से निकालेंगे तो कितना होगा, 3,000 का 9% 270 × 4 याद आएगा 1,080 रुपया आएगा ना, फिर सीआई निकालो 1, 2, 3, 4 क्या बीच का डिफरेंस बताओ, 154 रुपया आंसर है। हाँ बोला ना डिफरेंसेस निकालने के लिए, समझे। अरे भाई कैसे करने, कॉपी में लिख नहीं तो फिर भूल जाएगा बात, भाई आंसर तो कम से कम लिखेगा, नहीं तो फिर तुम 160 पे लिखेगा तो भी वो सही है, समझा। ठीक है बस अभी हम लोग एक और सम्स कराएंगे बस छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 क्योंकि हम ताकि होमवर्क दे पाए ना इसलिए कराना पड़ा। आओ व्हाट सम्स ऑफ मनी विल अमाउंट टू 1,000 रुपया इन 12 इयर्स 4.5 पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब बता पहले बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी कितना पैसा डाले कि 12 साल बाद 4.5% के रेट से 1,000 रुपया मिल जाएगा। तो पहले इसको मेरे को मतलब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये ए है दोस्त, ए आपको इतना मिलेगा, ये क्या है टी है, ये क्या है आर है, ये क्या पूछा है पी पूछा है। अब पी कैसे, कितना पैसा डालोगे मतलब जितना डालते हो क्या है पी है ना, ठीक है। अब यहां पे ये लॉजिक कैसे लगाएंगे देखना है, ये तो खतरनाक चीज है ना। वही ड्रॉ वही शॉर्टकट ही है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या पी, जितना ऑप्शन है दिया है पी इक्वल टू ए है, ठीक है। अब क्या करना ना यहाँ पे, ये तुमको पता है इतना कर लिया तुमको यदि प्रैक्टिस तो तुमको ये पता है कि कितना होगा 4.5 1.045 आ रहा ना, ये 1.045 को मल्टीप्लाई करो इस चारों ऑप्शन से, देखो जिसका आंसर 1,000 होगा वो आंसर है। देखो मान लो 842 मल्टीप्लाई करो इंटू 842 आ रहा है 8,890 रुपया 880 रुपया अप्रोक्स 589.66 मल्टीप्लाई बाय 1.045 यार है तुम्हारा 616 रुपया, आंसर इज 619 अप्रोक्स आ रहा है। तो आंसर है तुम्हारा इसका ये आंसर आएगा 589.66 आएगा। देखो अबे बोलो मत, 12 बार 999.99 रुपया आ रहा है, तो लोग 12 बार प्रेस नहीं कर रहा वो, ठीक है
ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी। तो देखो एक बार, देख बस अब कंक्लूड करे, देख लो एक बार भाई, कंक्लूड करे, सुन ला बार। हम लोग क्या बोल रहे हैं, सम्स में यदि ए पूछेगा तब तो सिंपल ए फॉर्मूला लगा के कैलकुलेटर में सॉल्व कर देंगे, और इस सम्स में यदि पी ए को छोड़ के पी पूछे आर पूछे तो हम लोग ऑप्शन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, समझे। अब तुम्हारा होमवर्क है ये पूरा, इसीलिए इसीलिए पढ़ाया, ठीक है, बैठ के आराम से करके आना, ठीक है, बाय।